भारत का वो सीक्रेट हथियार जिसका नाम सुनते ही चीन पाकिस्तान थर्रा जाते हैं। कल्पना करिए, भारत के ऊपर हमला हो गया है, दुश्मन के लड़ाकू जहाज और मिसाइलें पूर्वी और पश्चिमी दोनों सीमाओं से हमले के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। राजस्थान की सीमा पर टैंकों का स्क्वाड्रन हमले के लिए बढ़ रहा है। समुद्री सीमा से नौसैनिक जहाजों का जत्था आगे आ रहा है। तभी अचानक एक रोशनी सी चमकती है और दुश्मन के सभी टैंक, लड़ाकू विमान, नौसैनिक जहाज और मिसाइलें एक धमाके के साथ खुद ब खुद आग के गोले में बदलकर खाक हो जाते हैं। ये कोई कल्पना नहीं बल्कि वास्तविकता है। और ये कमाल कर सकता है भारत का सीक्रेट हथियार काली, अर्थात किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर। क्या है काली की ताकत? काली भारत का एक महाशक्तिशाली रक्षक हथियार है जो कि दुश्मन के किसी भी हमले को नाकाम कर सकता है। इसके सामने विशालकाय टैंक, अत्याधुनिक लड़ाकू विमान, उन्नत मिसाइलें भी फैल है। ऐसा कोई भी आधुनिक हथियार जिसमें इलेक्ट्रॉनिक चिप सर्किट या फिर किसी और तरीके की वायरलेस तकनीक लगी हो उसे काली पल भर में नष्ट कर सकता है। मिसाइलों और लड़ाकू विमानों के अलावा ये ड्रोन जैसे चालक रहित सशस्त्र विमानों और यहाँ तक कि अंतरिक्ष में घूम रही सैटेलाइट को भी मारकर गिरा सकता है। कैसे काम करता है काली? भारत का शक्तिशाली हथियार काली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों का तूफान पैदा करने वाला यंत्र है जो सेकेंड्स के अंदर भारी मात्रा में तरंगों की बौछार करता है, जिससे ये अपने संपर्क में आने वाली किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को ठप कर देते हैं। लड़ाकू विमानों, टैंकों, मिसाइलों, ड्रोन और सैटेलाइट्स में कई तरह के सर्किट और इलेक्ट्रॉनिक चिप होते हैं जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों के प्रहार के कारण काम करना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से अत्याधुनिक मशीनें पल भर में कबाड़ का ढेर बनकर रह जाती हैं, जिसके बाद इनके अंदर मौजूद हथियारों में विस्फोट हो जाता है। काली के अंदर छोटे छोटे सेंटरों के अंदर भारी मात्रा में ऊर्जा को संग्रहित की जा सकती है, जिन्हें चार्ज करने के बाद किसी भी वक्त एक झटके से अपने लक्ष्य के ऊपर फेंका जा सकता है। इसकी कार्यप्रणाली को आसानी से समझने के लिए घरेलू कैपेसिटर या कंडेंसर तो गौर से देखिए, जिसमें ऊर्जा एकत्रित होती है जिसे छूने से करंट का झटका लगता है। इसी तरह काली में भारी मात्रा में ऊर्जा संग्रहित करने वाले कैपेसिटर जैसे यंत्र लगे होते हैं, जिनमें एकत्र ऊर्जा दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जाम करके उसे पंगु बना सकती है। कैसे तैयार किया गया है काली? काली के जनक भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर आर चिदम्बरम थे। उन्होंने इसे तैयार करने की योजना साल 1985 में ही बनाई थी, लेकिन लंबी चौड़ी तैयारी करने के बाद साल 1989 में जाकर इस पर काम करना शुरू हो पाया। इस पर पिछले 3 दशकों से काम चल रहा है। इस बीच इसके कई संस्करण तैयार किए गए हैं। सबसे पहले काली 80 विकसित किया गया, जिसके बाद काली 200, फिर काली 5000 और काली 10000 विकसित किया जा चुका है। काली के निर्माण की प्रक्रिया में बार्ग, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर और DRDO रक्षा विज्ञान और अनुसंधान संस्थान दोनों जुड़े हुए हैं। काली के शुरुआती संस्करण में प्रति नैनो सेकंड 1 GW इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों का प्रहार होता था, लेकिन आखिरी सूचना मिलने तक काली के नवीनतम प्रारूप से 100 ms में 40 GW तक ऊर्जा तरंगें निकलती हैं, जो कि दुश्मन के बड़े से बड़े और अत्याधुनिक हथियारों को पल भर में तबाह कर सकती हैं। भारत का सीक्रेट मिशन है काली। काली और उसकी मारक क्षमता के बारे में भारत सरकार ने आधिकारिक रूप से कोई बयान जारी नहीं किया है। अभी सिर्फ इसके बारे में बुनियादी जानकारियां ही बाहर आई हैं। भारत की रक्षा क्षमता के लिए यह प्रोजेक्ट इतना अहम है कि सरकार ने इसके बारे में संसद में जानकारी देने से इनकार कर दिया था। 14 जुलाई 2018 को लोकसभा में काली 5000 से संबंधित सवाल पूछा गया था कि क्या काली 5000 को देश के रक्षा विभाग में शामिल करने का कोई प्रस्ताव है, अगर हाँ तो उसके बारे में बताया जाए। लेकिन तत्कालीन रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर ने इसके बारे में राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए कोई भी जानकारी देने से इनकार कर दिया था। आशा करता हूं दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करिए। अगर आप फन और ब्लू प्लैनेट चैनल पर नए हैं और आप भी ऐसे फैक्ट से जुड़े वीडियो में रुचि रखते हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।